फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव एंड आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में एंड कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी के बारे में। तो ये जो कल का एनालिसिस था एक्सपायरी वाला, ये मैं कल अपने वीडियो में आपको देकर गया था। तो आज हम बात करेंगे कि अब आगे किस तरह की पोजिशंस बन सकते हैं, किस तरह निफ्टी मूव करेगा। तो अगर मैं आपको निफ्टी थोड़ा पीछे से दिखाऊं, दैट इज समवेयर अराउंड, आप देखिए लास्ट एक्सपायरी थी आपकी 29 अप्रैल की, दैट इज लास्ट मंथ की मंथली एक्सपायरी वॉज ऑन 29 अप्रैल। तो अगर मैं एक मई का एक पोजिशनल व्यू बनाकर चलूं, तो आई वुड से कि अभी भी देर आर सम बायर्स हु आर लेफ्ट इन दिस रीजन। तो ये वाले जो बायर्स हैं, ये अभी भी अपनी पोजिशन होल्ड कर चल रहे होंगे। दैट मीन्स अभी भी देर आर सम चांसेस दैट निफ्टी कैन स्टिल सस्टेन लिटिल बिट अपसाइड। तो अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, यहाँ से थोड़ा स्ट्रांग पोजीशन बनती है एंड थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, तो आई वुड से द लिमिट्स आर अप टू 14,800-14,850 के लेवल्स पे। ये आपका लास्ट रेजिस्टेंस जो मुझे अभी फिलहाल दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे ऑफ टुमारो। सबसे पहला रेजिस्टेंस मुझे नजर आएगा समवेयर अराउंड 800 के लेवल्स पे एंड 860 का जो ये लेवल मार्क किया मैंने, ये मुझे फाइनल लेवल दिख रहा है। अगर ये कल मार्केट ऊपर की तरफ जाती तो ये अचीव होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज अगर मैं मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ जाऊं, तो जिस तरह से अभी जो माहौल बना हुआ है एंड ये जो मूव दिया भी है मार्केट ने, वी कैन एक्सपेक्ट दैट यहां पर एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। एंड अगर ये सेलिंग प्रेशर बनता भी है एंड वी विल एक्सपेक्ट दैट पहला अगर ये लेवल टूट जाए, अगर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है, देन आई वुड कीप माय ट्रेड्स ऑन दैट साइड। बट अगर ये यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इसका कन्फर्मेशन मुझे कहाँ मिलेगा, ये जो स्विंग बना हुआ है यहाँ पर, इससे जब नीचे निकलेगा, सो दैट मीन्स इस लेवल को अगर मैं मार्क करूँ तो दिस इज 650 लेवल्स। अगर निफ्टी 650 के लेवल से नीचे आता है, तो दैट इज वेन आई विल अंडरस्टैंड कि अब यहाँ से मार्केट थोड़ी नीचे जा सकती है। तो यहाँ पर कुछ मैं सपोर्ट्स मार्क कराता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा वीक है बट अराउंड 600 के लेवल्स पे है। तो इस रीजन में अगर आप देखें, तो दिस इज द 600 लेवल्स सपोर्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगला जो एक स्ट्रांग सपोर्ट मेरे को नजर आ रहा है, वो अराउंड 550 के लेवल्स पे है। तो अगर 550 के लेवल्स के सपोर्ट को देखें आप, तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग सपोर्ट विच इज क्वाइट एविडेंट। एंड ये पहले भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाकर ब्रेकआउट किया था इसने पिछले महीने, एंड यहाँ पर एक बार बार एक सपोर्ट खाकर मार्केट ऊपर गई है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग सपोर्ट जो मेरे को नज़र आ रहा है। तो कल का जो अगर हम ट्रेड लेंगे इन टर्म्स ऑफ निफ्टी, आई वुड से अगर यहाँ से नीचे जाती है मार्केट, तो ये जो लेवल्स हमने मार्क करे हैं, इसके हिसाब से प्राइस एक्शन को देख कर वी विल टेक द ट्रेड। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आपको कन्फर्मेशन मिलती है, अगर सपोर्ट पे आ जाता है, वहां से बाउंस करता है, तो विच पोजीशन यू शुड टेक। और अगर आपको लगता है कि यहां से मार्केट मूव करने वाली है नीचे की तरफ, आपको दिख रहा है कि यहां कोई सपोर्ट नहीं है, तो देन यू कैन एक्सपेक्ट अ डाउनवर्ड मूव एंड आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी के बारे में। कल के लिए हम अपनी प्लानिंग इन लेवल्स के हिसाब से मार्क करके चलेंगे एंड इस हिसाब से हम ट्रेड खरीदेंगे। एंड इवन इफ यू आर बाइंग और यू आर सेलिंग दी कॉल्स और पुट्स, जैसे भी आप ऑप्शन खरीदे या बेचे, या अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो ये लेवल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड दिस विल गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव कि आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, तो ठीक जैसे हमने निफ्टी को देखा था, थोड़ा एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस किया था इसका, पिछले 15 दिन का एक एनालिसिस लेकर चले थे हम, तो उन टर्म्स में अगर देखें, तो बैंक निफ्टी सेलिंग साइड पे मुझे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। देखिए 29 अप्रैल से हमने लेकर चला था कि दिस वॉज द लास्ट एक्सपायरी। तो अगर ये मंथली एक्सपायरी आप 29 अप्रैल की लेकर चलें, जहाँ से आपकी जो मे की पोजिशन है वो बनना शुरू हुई थी, तो दिस इज अ लेवल जहां पर मार्केट अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता हुआ आ रहा है एंड इट इज रीच्ड अ लेवल जहां पर मेरे को बायर्स की कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी अगर आप क्लियरली देखें, तो देर इज नो मोर स्ट्रेंथ लेफ्ट ऑफ द बायर्स। बट अगर ये अपने 32,200 के लेवल से नीचे जाता है, तो आई कैन सी अ शार्प फॉल फ्रॉम हियर। यहां से काफी एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है एंड ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी 32,000 के लेवल्स को भी तोड़कर बैंक निफ्टी यहां से नीचे जा सकता है। तो
एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह की है दैट यहाँ से नीचे जाएगा, बट वी विल प्लान फॉर यू नो दी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस कीपिंग इन माइंड, क्योंकि ये वो कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पर आपको मार्केट थोड़ा हॉल्ट लेकर एक डायरेक्शन बताती है कि यहाँ से हम बाउंस बैक कर रहे हैं या इसको ब्रेक करके मार्केट आगे निकलने वाली है. तो दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहला जो मैं आपको सपोर्ट लेवल बताऊंगा दैट विल बी अराउंड 200 लेवल्स. तो 32,200 का जो लेवल है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एंड द नेक्स्ट लेवल बीइंग राउंड लेवल ऑफ 32,000. तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है. तो इन सपोर्ट लेवल्स के हिसाब से हम मार्क करके चलेंगे. मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है एंड ये 32,200 के लेवल के नीचे आ जाती है तो आई कैन सी अ शार्प सेलिंग विच विल हैपन फ्रॉम हियर. मार्केट ऑलरेडी वीक है, बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली काफ़ी वीक लग रहा है, तो मुझे यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव कैप्चर करने को मिल सकता है. तो इफ़ यू आर अ कॉल राइटर, अगर आप कॉल राइट करते हैं या कॉल सेलर हैं, तो ये मार्केट मूव कैप्चर करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है. तो चलिए चलते हैं कुछ एक स्टॉक्स की ओर. सबसे पहला स्टॉक है हमारा कोल इंडिया. तो कोल इंडिया का जो एनालिसिस है, आई वुड लाइक टू शेयर दिस ऑन अ डेली चार्ट. डेली चार्ट पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज ये जस्ट एक ब्रेकआउट के लेवल पे है. दैट इज द रीजन आई हैव चोजन दिस स्टॉक टुडे. तो अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ये यहाँ से आपका अराउंड फेब्रवरी एंड से काफ़ी अच्छा एक मूव बनाकर दोबारा इस लेवल को टेस्ट कर रहा है. तो देखिए, अगर ये रीटेस्ट कर रहा है यहाँ से, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको एक अच्छा खासा अप मूव मिल सकता है. एंड द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, इससे अगला जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो अराउंड 170 टू 180 के लेवल्स पे है. तो जैसा कि मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ दैट ये जो लेवल्स होते हैं ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये कोई एक पॉइंट नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि ये 156.9 से तोड़ के ऊपर निकला तो मैं तुरंत खरीद लूंगा. इट इज़ अ रीजन. तो ये एक रेंज होती है, प्राइस का एक रेंज होता है जहां पर प्राइस ऑफन एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस अपना बनाकर चलता है. तो ठीक उसी तरह से ये जो मैं आपको रेंज बता रहा हूं दैट इज अराउंड, ये आपका 170 से लेके 180 के लेवल्स पर है. सो मैं इन लाइंस को थोड़ा एक्सटेंड करके आपको दिखाता हूँ दोनों तरफ, सो दैट आपको ये समझ में आए. तो ये जो रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का रीजन है. तो इसको हम थोड़ा सा बैक टेस्ट करके भी देखते हैं कि यहाँ पे प्रीवियसली प्राइस कहाँ होल्ड कर रहा था. तो जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हुए आया है. सो इनिशियली दिस वाज द सपोर्ट जब मार्केट गिर रही थी पिछले जनवरी में, तो ये अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल भी था. ठीक उसी तरह से अगस्त 2019 में भी यहाँ पर मार्केट, तो ये था स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. एंड चलिए अब यहाँ से चलते हैं अगले स्टॉक की ओर. द नेक्स्ट स्टॉक इज बीपीसीएल. तो बीपीसीएल मैं अपने क्लास में भी बताया था आपको दैट दिस इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. ठीक उसी तरह से अगर हम बीपीसीएल को एनालाइज करें तो आप देखिए इसका थोड़ा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश कीजिए. ये जो आज की डेट में स्टॉक है दिस इज एट अ लेवल ऑफ स्ट्रांग रेजिस्टेंस. यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है स्टॉक को तो आप यहाँ से बहुत बढ़िया लेवल्स अचीव करते हुए देख सकते हैं इस प्राइस को. सो दिस इज टेस्टेड वंस एंड नाउ दिस इज अ सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम ये टेस्ट हो रहा है. तो जितनी बार आपके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस टेस्ट होते हैं उतने ही वो वीक होते जाते हैं. तो हम यहाँ से प्लान करके चल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट मिलेगा. तो लेट्स सी द नेक्स्ट लेवल्स जो हमें यहाँ से अचीव होते हुए देख सकते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 500 के लेवल्स. सो 500 एक काफ़ी एक अच्छा राउंड लेवल है. एंड ठीक उसी तरह से आई वुड लाइक टू मार्क रेंज ओवर है. तो इस रेंज में हमें अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है. तो इस स्टॉक में अभी भी काफ़ी एक मूव बाकी है. तो दिस इज द मूव दैट वी कैन कैप्चर अपॉन. तो 450 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है ये अभी, एंड 50 पॉइंट्स का मैं क्लियर कट आपको एक मूव बनता हुआ यहाँ पर बता रहा हूँ, एंड दिस कैन बी कैपिटलाइज एंड कैप्चर्ड. तो ये था आज का एनालिसिस फ्रेंड्स. आज की टिप के लिए हम एक पॉइंट जरूर डिस्कस करेंगे. कल हमने एक ओवर ट्रेडिंग का पॉइंट डिस्कस किया था, तो जस्ट इन कंटिन्यूएशन विद दैट पॉइंट ऑफ ओवर ट्रेडिंग मैं आपको एक बहुत बढ़िया टिप देना चाहता हूँ. अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये, एंड इन टर्म्स ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स एंड मेंटालिटी आपको एक काफ़ी साइकोलॉजिकली एक ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो चलिए, कल का जो पॉइंट था हमारा डिस्कशन था दैट वाज अबाउट ओवर ट्रेडिंग. तो ठीक उसी के कंटिन्यूशन में देर इज वन पॉइंट विच यू कैन यूज. तो हमने कल डिस्कस किया था दैट फेज वन एंड फेज टू होता है. तो फेज वन में हमने ग्रीड देखा था,
एंड फेज वन में हमने ओवर कॉन्फिडेंस देखा था, फेज टू में हमने रिवेंज एंड रिकवरी के बारे में देखा था, तो हाउ टू बी ओवरकम दिस, उन पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया था। डिटेल में देखने के लिए कल का वीडियो आप एक और बार देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन में फंसने से आप बच सकते हैं इज अ रूल दैट आई पर्सनली फॉलो। तो ये रूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज। तो अगर मैं आपको ये बताऊँ रूल, तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो चलिए गाइस चलते हैं रूल की ओर। तो रूल का सबसे पहला पॉइंट ये है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप अपने स्टॉप लॉसेस एंड अपने टारगेट्स को वेरी नहीं करेंगे। तो आपका जो स्टॉप लॉस या आपका टारगेट होगा आप इसको चेंज नहीं करेंगे। आप स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट को जो फिक्स कर रहे हैं उसके साथ जब आप ट्रेड करते हैं, चेंज करने का मेरा मतलब क्या है कि आप स्टॉप लॉस को नीचे नहीं पुश करेंगे, टारगेट को ऊपर नहीं पुश करेंगे, बिल्कुल एक नेकेड तरीके से। यानी कि आपका अगर प्राइस नीचे गिरता जा रहा है तो स्टॉप लॉस को आप लगातार नीचे नहीं शिफ्ट करेंगे एंड विदाउट मूविंग योर स्टॉप लॉस आप टारगेट को नहीं शिफ्ट करेंगे। सो हाउ डू यू डू दिस? अगर आपने एक लेवल मार्क किया हुआ है अपने टारगेट का एंड आपने अगर एक लेवल मार्क किया हुआ है अपने स्टॉप लॉस का, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस को ऊपर लाएंगे तब आपका टारगेट लगातार ऊपर जाएगा। बट ये अदर वे अराउंड नहीं होना चाहिए कि आप टारगेट अपना नीचे कर रहे हैं एंड स्टॉप लॉस भी नीचे शिफ्ट करते जा रहे हैं। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग एंड दिस इज अ राइट वे ऑफ ट्रेडिंग। सेकेंड पॉइंट जो एज अ बिगनर आपको काफ़ी काम आएगा वो है कि दैट यू विल लिमिट योर ट्रेड्स। आपने अपने ट्रेड लिमिट करने हैं। मान लीजिए मैंने एक टारगेट सेट किया एंड स्टॉप लॉस सेट किया, मेरा प्राइस मूव होना शुरू हुआ एंड मेरे टारगेट को अचीव नहीं किया, नीचे आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो आप एक बार तो ट्रेड से आउट हो चुके हैं, यानी कि आपका स्टॉप लॉस अभी हिट हो चुका है, आप बाहर निकल चुके हैं। दैट मीन्स आपकी जो ये पोजीशन जो आपने ली थी दिस इज आउट, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब आती है आपकी सेकेंड बारी। सेकेंड टाइम आप क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा प्राइस ऊपर आने की कोशिश करता है तो आप दोबारा इसी लेवल पे खरीदते हैं एंड आप वेट करते हैं एंड इस टाइम आपका टारगेट अचीव हो जाता है। लेट से इस टाइम आपका टारगेट नहीं अचीव होता, सेम सिचुएशन, प्राइस दोबारा आता है फॉर्म में, ऊपर जाता है एंड दोबारा नीचे आ जाता है। यहाँ पर ये सेकेंड टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फर्स्ट टाइम हुआ मार्केट से आउट हुआ, आप सेकेंड टाइम भी आउट हो गए। इन दिस कंडीशन आप दो ट्रेड्स के बाद तीसरा ट्रेड नहीं लेंगे। आपने जब ये दो ट्रेड लिए हैं एंड आप मार्केट से आउट हो चुके हैं, यू विल नॉट टेक द थर्ड ट्रेड। आप दो ट्रेड में ही अपना टारगेट अचीव करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप थर्ड ट्रेड लेकर अपने आप को उस ओवर ट्रेडिंग के सेटअप पे नहीं डालेंगे। प्लीज अपने आप को कंपेल ना कीजिए ट्रेड करने के लिए। अगर मार्केट आपका दो बार में टारगेट नहीं अचीव कर रही है एंड इट इज टेलिंग यू कि भाई ये बार बार नीचे ही आने वाली है, आपको अपना लक आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट इज़ अबाउट साइंस एंड नॉट अबाउट लक। तो ये थी फ्रेंड्स आज के लिए टिप। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहिए। जय हिंद, गुड डे।